तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां ताजमहल बना रहा था, तब दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें बची थी। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़े। अंग्रेजों ने इसके कई प्रयत्न भी किए और इसके सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे विविध जगहों पर भारत में सत्ता में आने लगे और उनकी इन मंशा कामयाब होने में 100 से भी ज्यादा साल लग गए और ऐसे साल आया 1800 का। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि सन 1800 में भारत कैसा था। दोस्तों, इस समय भारत या दुनिया में भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेजों की शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश या पश्चिम बिहार में जाए तो कुछ वरिष्ठ लोग शर्ट और टी शर्ट को कुर्ता ही कहते हैं। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ ही लोग थे और यहाँ पर पूरा भारत यानी कि अखंड भारत, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था, यानी कि आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग तो किसान ही हुआ करते थे, जो पूरा दिन खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे और रात में जल्दी जल्दी सो जाते थे और सुबह फिर से जल्दी उठ जाते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का नित्य क्रम हुआ करता था। तब लाइट्स नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या ईश्वर पूजा करने में बाधा ना आए इसलिए दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि कुम्हार, धोबी, सुथार, सोनी, ये सब। लेकिन जब इनका भी दिन खत्म हो जाता था तो शाम को यही नित्य क्रम अपनाते थे। ये तो हुई गांव की बात, और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे और शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में मजदूरी या काम किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का काम हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1880 में आई और इस साल में भारत में बिजली की शुरुआत हुई, लेकिन भारत के गांव-गांव बिजली पहुंचने में और कई साल लग गए। एक डेटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वही एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। और दोस्तों, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार झेलते थे। दोस्तों, उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करता था, जिनमें से सब नहीं लेकिन कुछ लोग हमेशा ये फिराक में रहते थे कि कैसे करके अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई है, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारियां मौजूद थी जब कॉलेरा और प्लेग आम थे। इन बीमारियों की कोई दवाई भी नहीं थी और इनके सामने लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत प्रसव में होती थी और जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को प्रसव में ही हाथ धोना पड़ता था और इसके कारण कई सारे बच्चों की भी जिंदगी चली जाती थी। और अगर बात करें उस वक्त के कुछ चुनिंदा लोगों की जिसे खुश कह सकते हैं, तो वो बस वही लोग थे जो या तो कोई अच्छे किंगडम में रहते थे या तो अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण ही बेबस थे। एजुकेशन की बात करें तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं, और इनमें से ज्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में इससे भी बदतर हालत थे। पर हालांकि ऐसा नहीं था कि वो ना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वो लोग स्किल्ड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर सकते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीजें खरीदने और बेचने के बजाय एक्सचेंज व्यवहार में मानते थे, जैसे एक मटके के बदले 5 किलो चावल या 10 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। ज्यादातर गांव में ऐसे ही व्यवहार होता था, चीजों के बदले चीजें दे दी जाती थी, और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था और खासकर गांव से अनाज बाहर बेचने को जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीजें बहुत ही अच्छी थी तो कुछ बहुत ही खराब, और ऐसा लगभग हर समय में होता है।
हर समय कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव।